पर्यटकों के लिए खास केंद्र माने जाने वाले गुलाबी नगरी इन दिनों पर्यटकों को अपनी रंग बिरंगी रोशनी से आकर्षित कर रही है। दीपावली के त्यौहार पर हर बार की तरह इस बार भी गुलाबी नगरी रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हो चुकी है। शाम को 6 बजे बाद लोग रोशनी देखने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। 4 दीवारी की रोशनी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। लाइट डेकोरेशन को लेकर व्यापार मंडलों में प्रतियोगिताएं होती है। सबसे अच्छी रोशनी वाली व्यापार मंडलों को पुरस्कार किया जाता है, जिसके चलते व्यापार मंडलों में सजावट को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। दीपावली के दिन लोग शहर की रोशनी देखने आते हैं और रोशनी का जमकर लुत्फ भी उठाते हैं। हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने रोशनी का जायजा लिया। विश्व पर्यटन मानचित्र पर राजधानी जयपुर का नाम कौन नहीं जानता है। यहाँ के हेरिटेज को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो गुलाबी नगरी की जो 4 दीवारी है उसको निहारते हैं, उसको आनंद लेने आते हैं। लेकिन इन दिनों पर्यटकों के लिए राजधानी जयपुर का कुछ अलग ही खास मिजाज देखने को मिल रहा है और वो है यहाँ की लाइटिंग। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार है और राजधानी जयपुर में 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और इस बार राजधानी जयपुर के लोगों सहित पर्यटकों के लिए यहाँ पर खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ की लाइटिंग। पूरे बाजार यहाँ पर सज चुके हैं, आप देख सकते हैं ये नज़ारा MI रोड पर है जहाँ पर बेहद आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी की गई है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर सजावट की गई है और खास बात यह है कि यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है कि जो भी व्यापार मंडल जिस प्रकार की रोशनी से सजाता है और जिसकी आकर्षण का केंद्र सर्वाधिक अच्छा रहता है उसको यहाँ पर प्रतियोगिता और उसको पुरस्कार से नवाजा जाता है। ये सब लोग रोशनी को देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ की रोशनी का जो नज़ारा है वो कितना आकर्षित कर रहा है लोगों को। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो रोशनी देखने आए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? भूमि। तो आप यहाँ लाइटिंग देखने आए हो? नहीं, हम लोग घूमने आए थे यहाँ पे। अच्छी लगी लाइटिंग ये सब? बहुत। कैसी, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ बैठकर देख रहे हो काफी देर से? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, रोशनी रंग बिरंगी अच्छी लग रही है। हाँ। सर, आप कितने सालों से देख रहे हैं जयपुर में ऐसी लाइटिंग का नजारा, कितना आकर्षित करती है? पहली बार ही देख रहा हूँ मैं पहली बार ही आया हूँ जयपुर, मैं तो बाहर से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एक्चुअली अहमदाबाद का। कितनी आकर्षित करी आपको यहाँ की लाइटिंग? काफी अच्छी लग रही है लाइटिंग, काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। ये मेरे पीछे देखेंगे आपके लोग शॉपिंग करने यहाँ आते हैं लेकिन शॉपिंग को भूलकर यहाँ की लाइटिंग को देखते हैं। यहाँ पर कुछ है, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस प्रकार से लाइटिंग की गई है आकर्षण का केंद्र, कैसा लग रहा है यहाँ पर ये लाइटिंग? बहुत अच्छा लग रहा है, जयपुर तो वैसे ही पिंक सिटी कहलाता है तो यहाँ तो वैसे ही आपको पता है बहुत अच्छा होता है सब कुछ। तो गुलाबी नगरी हेरिटेज की अपनी पहचान है लेकिन ये जो सीजन आता है दीपावली का त्यौहार, लेकिन रोशनी यहाँ का सबसे आकर्षण का केंद्र हो जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर रोशनी को देखने आते हैं, आसपास के इलाके के लोग यहाँ आते हैं, खासकर 4 दीवारी की रोशनी बेहद आकर्षण का केंद्र होता है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अभी शुरुआत का समय है और लगातार ये दीपावली के 5 दिन तक रोशनी यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन VJ मिश्रा के साथ पिंटू सिंह नरुका, M1 TV।